मैं डॉक्टर दलबीर डांडा, कोलंबिया से आई सी यू का कंसल्टेंट इंचार्ज। भाई एक नया इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज करा रहे हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। दे आर इन डिमांड इंडिया एंड बाहर भी आजकल इन्हें डिमांड बढ़ गई है। एंड दे आर इन डिमांड इन एवरी हॉस्पिटल, लाइक बिग कॉरपोरेट हॉस्पिटल लाइक कोलंबिया एशिया, फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल एंड जो लोकल हॉस्पिटल के भी इन्हों की बड़ी डिमांड है। मैं डॉक्टर हरसिमरन सिंह, मैं पाइकनिया नाल काफ़ी देर तो एसोसिएटेड टेस्ट करके हाँ, बिकॉज इन्हों के स्टूडेंट साढ़े हॉस्पिटल आते हैं। जेडी भी साड़ी इन्वेस्टिगेशन होंदिया ने, ये बच्चे इन्ने ही डेडिकेटली इन्ने सही तरीके नाल निभाते हैं अपनी ड्यूटी कि सानू इन्हां ते बिल्कुल ही माण रहिंदा है। सो आई थिंक सो पाइकनिया इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सो फार फॉर द पैरामेडिकल। मैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद, रिंदर हॉस्पिटल के अंदर ART सेंटर का इंचार्ज हाँ। मैं भाई कन्हैया इंस्टीट्यूट में बहुत सालों तो जानता और जो कोर्स जिन्हें ट्रेनिंग देंगे जिन्हें डिप्लोमे करवाते हैं उन्होंने कोर्स की सिर्फ मॉडर्न मेडिसन के अस्पतालों में ही नहीं, जोड़े अल्टरनेट सिस्टम के अस्पताल ने आयुर्वेदिक के होम्योपैथी के होर ने उत्थे भी, क्योंकि डायग्नोस्टिक सर्विस यही ने उत्थे भी इन्होंने कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। भाई कन्हैया जी, मनुखी प्यार, एकता, समानता अते सेवा भावना लई कुल दुनिया विच अनोखी मिसाल सन। उन्हां दी इसी विचारधारा नूं आम लोकां तक पहुंचाउण लई पैरा मेडिकल दे खेतर विच नौजवानां नूं अपने पैरां ते खड़ा करके अग्गे लियाउणा अते इंसानियत दी सेवा करना ही भाई कन्हैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का मुख्य उद्देश है। हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर हेल्थ बाय 2020 AD। भारत सरकार द्वारा चलाए इस सुपने नूं अमली रूप देना ही कॉलेज के पैटर्न डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि एक जाने माने कंसल्टेंट जनरल अते लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, अते प्रिंसीपल डॉक्टर नीरज भारद्वाज, जो कि कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, अते समूह स्टाफ मेंबरान दा यही एक सुनहरी सुपना है। जेकर तुहाडा डॉक्टर बनन दा सपना किसी भी कारण करके नहीं पूरा हो सकिया है तां तुसी साडे भाई कन्हैया कॉलेज दे विच आओ ते असी तुहाडे इस सपने नूं पूरा करांगे। इत्थे करवाए जाण वाले कोर्सां दा वेरवा है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OT, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी ECG, फिजियोथेरेपी DPT, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर MPHW, नर्सिंग असिस्टेंट ANM, लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री अवेलेबल। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। एक्सरे टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी।
ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਐਸਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मेरा एक सपना था मेडिकल लाइन से जुड़ने का, पर घर की प्रॉब्लम्स के कारण हम मेडिकल लाइन से नहीं जुड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भाई कन्हैया इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, डायरेक्टर सर, इनके सहयोग से हम मेडिकल लाइन से इजीली जुड़ सकते हैं। इन कोर्सेज के बड़े ही फायदे होते हैं। भाई कन्हैया कॉलेज में बहुत वधिया पढ़ाई करवाई जाती है, प्रैक्टिकल्स भी बहुत वधिया करवाए जाते हैं। मैं इस कॉलेज में आके बहुत खुश हूँ। इत्थे स्टडीज तो इलावा योगा क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस एंड पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट क्लासेज भी लगाई जाती हैं। मैं श्वेता मैम इन बच्चों की हॉस्टल वार्डन हूँ और ये बच्चियाँ जो हैं वो मेरे पास बहुत समय से रह रही हैं, तो इन्हें मैं बिल्कुल घर जैसा ही माहौल देती हूँ। घर जैसे इन द सेंस ठंडे पानी के लिए ऐसे फ्रिज हम लोगों ने प्रोवाइड किया हॉस्टल की तरफ से, और जब लाइट चली जाती है इन बच्चों को पढ़ने में तकलीफ ना हो इन लोगों के, क्योंकि एग्जाम डेज है तो उसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इन्वर्टर की सुविधा जो है वो 24 घंटे इससे लाइट आती रहती है, तो ये आराम से इजीली अपना पढ़ लेती हैं। असी टूर ते जाने जिमें कि हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह, उत्थे जाके असी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इस तो इलावा असी PGI चंडीगढ़ गए जिथे जाके सानू बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली है। जो मैं भाई कन्हैया इंस्टीट्यूट गया उतों का मैं इनवायरमेंट तो मैं टीचर साहबान बहुत ही वधिया लगे। सानू पढ़ाई के नाल सानू होर भी सहूलत प्रोवाइड करवाई गई जिमें इंग्लिश स्पीकिंग, योगा क्लासिस, कंप्यूटर क्लासिस, सानू पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट का भी कोर्स उत्थे प्रोवाइड करवाया जाता है। मेरा नाम लखविंदर सिंह, मैं करहाली तो आया। इत्थे बुक्स का कोई खर्चा नहीं, सानू इत्थे बुक्स बाहरों नहीं लेनियां पैंदियां। इत्थे हर तरह के नोट्स इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी इत्थे ही वधिया तरीके नाल बनाए जाते हैं। इत्थे OT दे विच सानू हर तरह की सर्जरी बारे नॉलेज दिती जाती है, तो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बारे दस्या जाता है। मैं इत्थे होस्टल में रह रहा हाँ। पढ़ाई के नाल नाल सानू होस्टल में काफ़ी सारिया सहूलत दी गई हैं। सर्दियों में सानू गर्म पानी मिलता है, साडे कॉलेज का काफ़ी खुला ग्राउंड है, साडे होस्टल 24 घंटे बिजली का प्रबंध है। साडे कॉलेज की एक गल मैनू होर चंगी लगी है, साडे होस्टल के आले दुआले CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिहड़ा कि साडा कॉलेज साडे सुरक्षित ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। साडे कॉलेज में हरेक तरह के त्यौहार को इंजॉय किया जाता है, जिमें कि होली, लोहड़ी, गुरपुरब, सानू बहुत ही अच्छा लगता। अपने कॉलेज का मेन मकसद जो सबसे ज़्यादा है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस, तो उसमें जो मोटिव है मेन कॉलेज का वो ये है कि बच्चे को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, नंबर वन, नंबर टू उसको 100% अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर जाके वो ट्रेनिंग कंप्लीट करें और उसी के अकॉर्डिंग उसको अच्छी जॉब प्रोफाइल्स के अंदर मेडिकल लाइन के अंदर जगह मिले। असी चाहते हैं बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, बच्चे पैरों पर खड़े होंगे हैं, उस तो बाद भी बच्चों की सपोर्ट ली भाई कन्हैया कॉलेज हर वेले हर दम अपने स्टूडेंट्स के नाल खड़ा है, तैयार है। 10वीं 12वीं तो बाद अपनी जिंदगी का अहम फैसला लैण लई एक बारी जरूर मिलो ते पाओ अपने पैरों पर खड़ा होने का सुनहरी मौका।